आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। दिनेश सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में। महाराष्ट्र की राजनीतिक जो वर्तमान परिस्थिति है उसके ऊपर हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, महाराष्ट्र में जो चल रहा है ये ईडी और पैसे का खेल है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी जिसको बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने ईडी या और सारे ध्वज दिखा करके पैसे धनबल पे छपट पे शिवसेना में जो फूट डाला है। आज मेरा कहना है शिवसेना के जो भी आमदार सेना के सिंबल से गद्दारी किया है उनको फ्रेश जनादेश लेना चाहिए, जाकर इलेक्शन में कंपटीशन में लेना चाहिए, तब मालूम पड़ेगा ओरिजिनल सेना कौन है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस आज शपथ लेने जा रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि सफल होंगे। उसका उदाहरण है कि सिंधे गुट में ही दो फाड़ हो चुके हैं आज, और दूसरी चीज, एक गुट सिंधे को सीएम बनाना चाहता है और एक गुट समर्थन देना चाहता है। ये धनबल का खेल है, और जैसे अजीत पवार के समय हुआ था उसी प्रकार 11 तारीख तक ये सरकार रहेगी, अगर बन भी जाती है तो बीजेपी की सरकार, क्योंकि अयोग्यता के बारे में जो केस अभी पेंडिंग है इसके अधीन है, उसका जजमेंट 11 तारीख को आने वाला है। और ये लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, भगवान ने चाहा ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और संपत्ति महाराष्ट्र की जनता की आज महाविकास सरकार की तरफ है, क्योंकि अच्छा काम कर रही थी और कभी जात पात पर भेदभाव नहीं किया इस सरकार ने। नौकरा सिंधे गुट बोलता है कि कांग्रेस से नफरत है, कांग्रेस को करता है, तो आज सिंधे गुट को जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस की इंदिरा गांधी थी तभी शिवसेना का उत्पन्नी हुई। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी बंबई में हावी थी, शिवसेना उठान मार रही थी, इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी का सपोर्ट था, इसके लिए शिवसेना ऊपर आई। शिवसेना के माननीय बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस का मदद किया, चाहे इमरजेंसी काल हो चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, वो हमेशा कांग्रेस का मदद किया। ये सिंधे का आरोप लगाना खोटा है कि कांग्रेस दबा रही है।